जे साहिबा खा ले। एक तू ही तो है जिससे मैं अपने दिल की सारी बातें शेयर करती हूँ। साहिबा लिस्टन, बहुत दिनों से मन कर रहा है कि हम अपने डार्लिंग को कुछ सरप्राइज गिफ्ट करें। ओह माय गॉड, पर का गिफ्ट करें कुछ अंडरस्टूड ही नहीं हो रहा है। का दूं डार्लिंग को का दूं? आइडिया साहिबा, हम डार्लिंग को एक लव लेटर गिफ्ट करते हैं। वैसे भी लेटर उनका पुराना शौक है। हैप्पी हैप्पी हो जाएंगे हमारे डार्लिंग, और लेटर लिखाएंगे हम जी प्रोफेसर से। प्रोफेसर से अच्छा लेटर कौन लिखेगा? सो नाइस। वेट, कमिंग। सुर प्रभात प्रदीपक जी। चेतनी शाकाहारी हो गई? ऐसा तो नहीं कि सूर्य किसी और दिशा से उदय हुआ है? सुनिए ना जी, सुप्रभात प्रदीपक जी। सुप्रभात नहीं होता, सुप्रभात। किंतु हिंदी भाभी जी, देखिए हम अति प्रसन्न हुए। हालांकि इसमें कुछ त्रुटियां थी, किंतु आपका प्रयास सराहनीय है, हम अभिभूत हुए। अब जे आप जितने पढ़े लिखे पड़ोसी होंगे तो सब लोग भूत तो, मेरा मतलब है सब लोग को हिंदी तो सीखना ही पड़ेगा ना। देखिए ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारा भाषा परिवर्तन का जो पहला कदम है वो आपसे प्रारंभ हुआ। कितनी अच्छी बात है, आज आप हिंदी बोल रही हैं, कल पूरा मोहल्ला हिंदी बोलेगा, परसों पूरा हिंदुस्तान हिंदी बोलेगा, फिर एक दिन पूरा अंग्रेज हिंदी क्यों बोलेंगे? जी जी जी, हमको आपसे एक हेल्प चाहिए। ओह माय गॉड, मतलब सहायता, सहायता चाहिए। प्रयास सराहनीय है जी, हमारे डार्लिंग है ना प्रियतम, हम अपने प्रियतम को प्रेम पत्र देना चाहते हैं। अब हम तो नई नई हिंदी सीख रहे हैं, तो लिखने में हमारा हाथ थोड़ा तंग है, इसलिए हमने सोचा। हम समझ गए कि आप ये चाहती हैं कि हम कि लिखें, हम आपको दें और आप आगे जाकर भगदड़ जी को दें। सही बोला, प्रयास सराहनीय है। देखिए आप चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए ऐसा प्रेम पत्र लिखेंगे कि भगदड़ जी पढ़ते ही उनके हृदय में संगीत की लहरें दौड़ उठेंगी और वो आपके मोहपाश में जकड़ लिए जाएंगे। धन्यवाद जी, सो नाइस। बहुत अच्छा, प्रयास सराहनीय है। आप लिख के हमको भिजवा देंगे प्लीज, कृपया करके? धन्यवाद जी। हिंदी भाषा सहायता तो करे, क्या हमें इनकी सहायता करनी चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हमें फंसाने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हों? किंतु हिंदी बोली है और हिंदी के लिए हम कुछ भी करेंगे। हिंदी की रक्षा के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। हम अवश्य इनकी सहायता करेंगे। मास्टर ने तो काम कर दिया, सो नाइस। चलो देखूं तो सही क्या लिखा है मास्टर ने। कभी जिसने मेरी तन्हाई को है बांटा, कभी जिसने मेरे मन को है टटोला, कभी शाम बनकर मेरी नींदों में जो आए, कभी चांद बनकर जिसने मेरे मन को लुभाया। जीवन का सच हो या मेरा वहम हो, मेरे हर पल में मेरे आजकल में तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही और तुम हो, तुम ही मेरे प्रेम प्रथम हो, तुम ही मेरे प्रेम प्रथम हो। वाओ, सो नाइस। जो मास्टर को तो पत्र लिखने को बोला था, पूरी की पूरी कविता लिख डाली। पर जे नाम वाम तो लिखा ना है, अब जे डार्लिंग को कैसे पता चलेगा कि जे लेटर हमने उनके लिए लिखा है? जे कुकर हो गया, हम तो वो भी भूल गए। डार्लिंग ने सामान लाने के लिए लिख दियो का? अरे जाके लानो भी होगा। अरे जा ईसा का लिख दी है सामान की बहुत खुश हो रही थी। मेकअप का सामान तो ना लिखी महंगा वाला। सरेंडर, बेटा
कहा है बापू? अरे जिद का लिखाई। अरे बापू तुम्हें भी लव लेटर आ रहे हैं, हमें तुम्हारे करेक्टर पे शक हो रहा है। अरे पढ़ चुपचाप बकलोल। हमारा ना निकल आए खुद का। बापू ये तो सच में प्रेम पत्र है। अरे नाम का लिखो है पर। नाम तो कोना लिखो है बापू, पर है शुद्ध हिंदी मां। शुद्ध हिंदी का मतलब समझते हो ना बापू? अरे जा जाई सब देखना लिखो था हमारी तकदीर में। अरे जय बगुला भगत ने हमारी डार्लिंग को चिट्ठी दियो है बताइए। अरे चिट्ठी का काम तो हम किया करते थे खाली डकैती के लिए, और जय को इस्तेमाल कहीं और ना किए बताइए। अरे न छोड़ेंगे। अरे कहाँ कमी रह गई थी हमारे प्यार में? अरे शांत बापू शांत, अब हमारी बारी है, अब हमारा वक्त आ गया है जासूसी करने का और पता लगाने का के माजरा का है। जब पता लगा बेटा ना तो ये विकास नगर समेत पूरी गाजियाबाद को हद गोले से उड़ा देंगे, बताते रहे। क्या है? प्रेम पत्र सरेंडर भैया के घर से, और वो भी शुद्ध हिंदी में। समझ गया मैटर, अब तो भवंडर मचेगा, वो भी बिना हवा के। ओ चाची। हाँ देखो हम आपके लिए का लाए। का लाए हो? घूस का पैसों का मिठाई, कागज का टुकड़ा लाए हो? प्रेम पत्र। मैया अब ये दिन देखने का बाकी था कि छटांग भर का लौंडा हमको प्रेम पत्र लिखेगा है। ए बबुआ चलो पढ़ो अपना शौक पूरा करो। चाची इतने भी बुरे दिन नहीं आए यार हमारे, इमोशंस पे कंट्रोल रखो। हैं? मतलब आपके बुरे दिन नहीं आए। हाँ का बोल रहे हो भवंडर, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जरा समझा के बोलो का बोल रहे हो। चाची ये प्रेम पत्र आपके उन्होंने लाजो चाची के लिए लिखा है। का? आप नहीं जानती चाची, जब ये बात हमें पता चली तो हम पर क्या गुजरी होगी। हमने सोचा कि अगर आपको ये बात पता चलेगी तो आप पर क्या गुजरेगी, फिर हमने सोचा हमको पता चल ही गया तो आपको भी बता दें, जो गुजरेगी सो गुजरेगी। ए प्रभु अब यही दिन देखना बाकी था, अभी पत्र लिख रहे, सोचो बवंडा हमारा जीवन नष्ट हो गया है। जी शांति शांति, ऐसा तो कोई हादसा नहीं हुआ है कि आप इस तरह से विलाप कर रही हैं, क्या हुआ बताइए। ए बवंडर अब मकसद का की बे है? जो करना था वो तो कर दिया, चलो टाटा। हमें बताएंगी श्रीमती जी कृपया करके कि क्या हुआ है? अब बताएंगे ये क्या है? ये तो वो प्रेम पत्र है जो हमने लाजो जी को लिखा था। देखो बबुआ देखो तुमरे पप्पा का कारनामा है, छुप छुपा के जो किया होगा सो तो किया ही होगा, अब तो सीधा सीधा हमरे मुंह पे बोल रहे हैं कि प्रेम पत्र लिखे है। इतनी हिम्मत तभी इंसान दिखाता है जब वो बगावत करने पे रहता है। अब तो हमारा गुरूर सुरूर दुरूर सब छीन लिया है भगवान। जो सोचे थे कि जो ये लूट मार की जिंदगी छोड़ के एक अच्छे सभ्य समाज में जीवन यापन करेंगे, जैसे अच्छा तो हिमालय ही चले जाते। बोलते हो बापू, वहां पे कम से कम हमारी शक्ल का बाप और आपकी शक्ल का बेटा तो ना पड़ोस में मिलता। जी का उल्टा सुल्टा बक रहे हो, बार बार हम पे शक करते जा रहे हो, नॉट सो नाइस। जे प्रेम पत्र हमने लिखवाया था प्रोफेसर से। अरे जब्बार होगा क्लियर,
अरे प्रेम प्रसंग इतना चरम पे पहुंच गया है कि खुद ही प्रेम पत्र लिखवा रही है। बेटा देख देख देख, अब क्या करें, बता बता क्या करें। अब हम क्या कह सकते हैं बापू? अरे हम जीना ना चाहते हैं, लाओ हमारी बंदूक, गोली मार लेते हैं हम। पर वो तो ऐसे ही आ जाती है आपके हाथ में, जय भवानी बोलते ही। अरे देख लो अब तो मर भी गए तो कौन लोग गवना है, मार दो हमको, मार दो हमको। बाप रे, नॉट सो नाइस। पिताश्री प्रणाम। माना कि लाजो चाची आपके हिंदी भाषा की प्रेरणा स्रोत है, उचित है, लेकिन अनुचित यह है कि कौन किसका प्रेरणा स्रोत होना चाहिए, इस पर हम संविधान अवश्य लिखेंगे। वाह, हे ईश्वर, आज तो हमारे सुपुत्र कलिष्ट हिंदी बोल रहे हैं, और ये हिंदी भी आप लाजो जी की वजह से ही बोल पा रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना, आप तो सारे जीवन में उन्हें हिंदी के दो शब्द सिखा पाए। शांत शांत। अरे हमारे कहने का यह तात्पर्य कि आज हमारे सुपुत्र शुद्ध हिंदी में हमारे साथ वार्तालाप कर रहे हैं, किंतु परिस्थिति बड़ी ही कठोर है, बड़ी ही कष्टकारक है। आप समझने का प्रयास कीजिए श्रीमती जी कि प्रेम पत्र हमने लिखा था लेकिन लेकिन का? ए बबुआ, देखो तुम्हारे पापा को कैसे बेशर्मों की तरह बार बार कह रहे हैं कि ये लेटर ही लेटर लेटर नहीं होता, प्रेम पत्र होता है श्रीमती जी। वही हिंदी बोल बोल के हमारा जीवन नरक कर दिया। लेटर 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 ये लेटर है, ये का है कागज में, इनमें तो कुछ लिखा है। प्रोफेसर साहब का होगा, प्रोफेसर साहब का है तो बाहर क्या कर रहा है, कुछ काम का नहीं है, फेंक देते हैं। वो बैठा है कचरा उठाएगा। ए बिजली, गंदगी फैला रही हो, उमें हमारे सामने बात करती हो। अरे पढ़ना कचरा, क्या लिखा है इसमें? अरे ये तो लव लेटर है। आखिर बिजली के बिल में हमारे प्यार की घंटी बजी गई। स्वच्छता अभियान बंद, नगर निगम आज छुट्टी पर है। कचरा, ये तो शुद्ध हिंदी में लिखा है। हाँ तो क्या हुआ? अरे उसको लिखना पढ़ना नहीं आता ना, तो लिखवाई होगी किसी से हमारे लिए, प्रोफेसर साहब से लिखवाई होगी, उनको आता है। कचरा के लिए बिजली प्रेम पत्र लिखवाएगी, इसमें प्रोफेसर साहब नाम कहाँ लिखे हैं? ऐसे हो सकता है कहीं हमारे लिए लिखवाई होगी। अरे हमारे लिए भी तो हो सकता है, या फिर हमारे लिए, या फिर हमारे लिए। सवेरे सवेरे आईना देख के घर से निकला करो, समझे? पता चल जाएगा ये लेटर किसके लिए लिखा है। वो जो चाय में अदरक और लवंग डालते हो ना, उसी जैसा शक्ल है तुम्हारा। बात कर दे भागे से। वैसे कचरा, सच तो ये है कि ये तो बिजली ही जानती होगी ना कि ये किसके लिए लिखवाई है। हाँ तो क्या हुआ? चलिए वो प्रोफेसर साहब घर से निकल रहे हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं और दूध का दूध पानी का पानी कर लेते हैं। आइए प्रोफेसर साहब, ये बताइए कि ये लेटर आपने किसके लिए लिखा? लेटर नहीं होता, प्रेम पत्र। हाँ हाँ वही। अरे जो बोल दे प्रोफेसर, अरे बोल का है नहीं रहा है, अब छुपाने के लिए बचा का है बे? हेलो, पूरा मोहल्ला को पता चल गया, हमरा तो किस्मत ही फूटा है। अब तो लगता है कि पूरा महीना व्रत करना पड़ेगा। क्यों चिट्ठी, सही बोले ना? अरे बहुजी, हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं, हम तो सोचे थे घर का मामला घर ही घर में निपटा देंगे, लेकिन जय ससुराल मोहल्ले का मनोरंजन बन गओ। ये चिंगारी तो बहुत बड़ी आग का काम कर गई,
इतना बड़ा भवंडर नहीं सोचे थे। किंतु आप लोग समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। अरे तू समझाइए ना, क्या प्रयास करें, कहिए कहिए क्या बोलना है हा? अरे चाचा अब बताइए ना क्या बोल रहे हैं, बताते कहे नहीं है। अरे बोल बोल, मुंह तो खोल, क्या हुआ, चुप का है, अरे बगुला भगत बोल। अरे ठीक है ठीक है, ये हमने प्रेम पत्र लाजो भाभी के लिखा था। देखो प्रोफेसर साहब, ये उम्मीद नहीं थी आपसे, बहुत गलत किया आपने। देखिए कचरा महोदय, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। ये अर्थ का अनर्थ क्यों बना रहे हैं आप सब लोग, ये किस भांति आपकी समझ कार्य कर रही है। अरे ये क्लियर तो बोल रहे हैं कि लाजो चाची के लिए लिखा था, अब क्या इमोशंस पे कंट्रोल ही रखना पड़ेगा ना, कर भी क्या सकते हैं। यहाँ तो मैटर ही कुछ और है, हम तो समझ रहे थे कि बिजली हम में से किसी के लिए चिट्ठी लिखवा के लाई है। ए बवंडर, हमको धक्का मारो तो। अरे बेशर्मो, नरक के कीड़ो, विकास नगर के गटर में पलने वाले बंदरो, तुम लोग का सोचे चिट्ठी हम तुम लोग को लिखे हाँ। अरे सपने तो औकात में देख लिया करो छुछुंदर, नहीं तो। बवंडर हम सही बोले ना? हाँ हाँ सही बोली, अगर इससे ज्यादा बोलती तो गलत हो जाता। कोनो बात नहीं, बता दीजिए सबको प्रोफेसर साहब कि आपको का जरूरत पड़ी कि जो सरेंडर की अम्मा को प्रेम पत्र लिखा आपने। देखिए हमें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी, आप समझ, देखिए एकमात्र फिटनेस है उसकी। फिटनेस नहीं होता, साक्षी साक्षी होता है। हम बताते हैं असली बात क्या है। डार्लिंग, अरे हमको माफ कर दो, हम गलत समझे। कोई बात नहीं जी, भरोसा ही रिश्तों का पिल्लर होता है, अब जब वो ही टूट गया तो समझो के। अरे अब तो खुश हो जाओ, सब सुरक्षित है, इमोशंस पे कंट्रोल रखिए। अभी तो यार इतनी रोक नहीं पा रहा हूं। उका कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, गलती तो इंसान से ही होता है ना। ए जी हमको माफ कर दीजिए ना, देखिए आप माफ नहीं करेंगे ना तो पूरा साल हमको व्रत रखना पड़ेगा। हाँ रख लीजिए, एक साल ने 3 साल व्रत रखिए, कम से कम घर का राशन तो बचेगा, जितना ज्यादा खाती है उतना ज्यादा सोचती है, सब गलत सोचती है आप। ए जी देखिए श्रीमती निर्मलू, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए पर्याप्त है। लेकिन आपको प्रोफेसर साहब अपनी गलती का एहसास अभी तक नहीं हुआ है। बे कचरा ये, अब तो मामला सलट गया, आपका गलती बे ई गंदगी का, ये जो कचरा किया ना आप, आपसे ये उम्मीद नहीं थी हमको। ये तो हमसे गलती हुई है और इसके लिए हम सबसे क्षमा मांगते हैं, और आप चिंता मत कीजिए हम इसको खुद साफ कर देंगे अपने हाथों से। रहने दीजिए रहने दीजिए, आपको आपकी गलती का एहसास हुआ इतना ही काफी है, बाकी हम सब संभाल लेंगे, जब तक हम जिंदा हैं गंदगी ना होने देंगे, जाइए। अजी चलिए चलो। अरे यार खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आने का। कोनो बात नहीं, थोड़ी देर के लिए ही सही,
ये सोच के बहुत अच्छा लगा कि बिजली ने तुम कंजरों को छोड़ के हमारे लिए लेटर लिखा।